ये हमारी कहानी है, वो कहानी जो ना कभी कही गई ना कभी सुनी गई, उसे सिर्फ देखा गया, और जिन आंखों ने देखा वो इतिहास के अंधेरे में धीमे धीमे छुपते हुए गायब हो गए। कहते हैं इतिहास हमेशा चंद लोगों के नजरिए से लिखा गया, इसीलिए उसमें उन लोगों का जिक्र नहीं होता जिन्होंने उसे बनाने में शिरकत दी। इसी तरह हमारी कहानी में शायद हमारा अपना खुद का जिक्र नहीं हो पाएगा। 1971 यानी 1971 में हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक जंग लड़ी गई जिसे बांग्लादेश वॉर का नाम दिया गया। पाकिस्तान उस हार से कभी नहीं उबर पाया, हम भी उस जंग को कभी भूल नहीं पाए, क्योंकि वो जंग हमने कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी अपने प्यारे हिंदुस्तान की तरफ से। हुआ कब ये? 3 दिन पहले सर। सुरंग बैरक नंबर 3 से खोदी गई है, वहां कोई नहीं है सर, उसमें कुछ कैदियों को शिफ्ट करने की सोच रहे। लेकिन आप लोगों की निगाह से इतनी बड़ी कोशिश बच कैसे गई? इन लोगों को यहाँ आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, इस वक्त ये लोग ठीक से चलने फिरने की हालत में भी नहीं है। 18 फीट की सुरंग खोदना तो बहुत बड़ी बात है। ये सूरज सिंह कौन है? मेजर सूरज सिंह 18 राजपूताना राइफल, 12 दिसंबर 1971 को उरी सेक्टर में पकड़े गए थे एम्युनिशन खत्म होने की वजह से। इससे पहले कोट लखपत लाहौर में थे, वहां भी सुना है 2 बार भागने की कोशिश के लिए सजा पा चुके हैं। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैरी ऑन। कैरी ऑन। वेलकम मेजर। कैसे गुजरी रात मेजर? खराब नहीं थी, अपने ही लोगों के साथ था। अपने लोगों की हालत देखकर समझ गए होंगे ये ऐसी कोशिश यहां फिजूल है। आप डिप्टी डायरेक्टर कर्नल शहरियार खान, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। मेरी पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के किसी बंदे से मुलाकात कराई जाए। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, और रोज हमें अखबार मुहैया कराया जाए और एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि हमें वापस हिंदुस्तान भेजने के सिलसिले में पाकिस्तान सरकार क्या सोच रही है। वरना आप यहां से भागने की कोशिश करते रहेंगे। आपके साथ और कौन कौन था? मैं और सिर्फ मैं। ठीक है, बैरक नंबर 6 चलिए। और मेजर, आपको हमारी हुकूमत का एहसान मानना चाहिए कि पकड़े जाने के बावजूद आप जिंदा हैं।
एहसान तो आपको हमारी हुकूमत का मानना चाहिए जिसने जंग खत्म होने के बाद 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को जैसे का तैसा पाकिस्तान वापस कर दिया। वाकई आपकी हुकूमत की दरिया दिली का एक नमूना तो मैं पिछले 3 दिनों से देख ही रहा हूं। बैरक नंबर 6 में ये रहा पाकिस्तान, ये कराची, ये लाहौर, ये फैसलाबाद और ये पेशावर। क्या हाल है पाली? ठीक हूँ सर, मगर ये लोग बता क्यों नहीं रहे कि हम लोग कहाँ हैं? ऐसे वाली पहाड़ियों को देखकर तो यही कह सकते हैं कबीर कि हम पाकिस्तान के वेस्ट में तो हो ही नहीं सकते। और बॉर्डर के पास वाले एरिया में रखने की ये बेवकूफी कर नहीं सकते सर। लेकिन एकदम से हुआ कैसे? पाकिस्तान के करीब करीब हर जेल के हिंदुस्तानी फौजी यहाँ पर हैं, सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं, जेल बड़ी कर दी गई है, एकदम से इतना बदलाव कैसे? इस बैरक में सब 71 की जंग के हैं, कुछ 65 के भी हैं सर, लेकिन किसी काम के नहीं है, सबके दिमाग उलट चुके हैं सर। हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाते रहते हैं बिना ये जाने कि हिंदुस्तान के लिए कब के खत्म हो चुके हैं सर। इन्हें वापस लौटाने की कोशिश नहीं की गई? यहाँ किसी काम के हैं सर? उन्हें अपना पता छोड़ अपना नाम तक याद नहीं है। लेकिन सर आपने गलत कहा कि किसी काम के नहीं बचे। क्या मतलब? सब बाकायदा काम आ रहे हैं। कल ईद है, मुबारक मौका है, मेजर सूरज को छोड़ देना। जी सर। क्या है? सुनना, अभी ये पाकिस्तान में पंजाबी रहते हैं? हाँ रहते हैं। और ये सिंधी? अरे हाँ वो भी रहते हैं बाबा। और सुनना, ये अपने मुसलमान बिरादर तो हैं? हाँ। हैं? तो क्या हुआ? नहीं यार, मैं सोच रहा था ये सब तो अपने हिंदुस्तान में भी रहते हैं। हाँ रहते हैं तो? अबे तो फिर पाकिस्तान बनाया क्यों था? गलती हो गई, आगे से नहीं बनाएंगे। Will you please shut up, both of you? Sorry sir. Sorry बोल। Sorry sir. जिसको पेशाब शाब करना है यही कर लीजिए, ये ट्रक आगे कहीं नहीं रुकेगा। अरे कहीं तो रुकेगा, कहाँ जाएं? चलो चल भाई जल्दी। जल्दी करो। अरे यार मोटू क्या बोलता है? ये ठोक देंगे पीछे से। अबे बहुत गहरा है, निशाना लग नहीं पाएगा। टांगों में भी जान नहीं है अभी यार, दौड़ नहीं पाएंगे। देख ले, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। वापस चलो यार। जल्दी। अरे चल रहा है यार, चल रहा है। चलो काम हुआ। अरे भाईजान सिगरेट मिलेगी क्या? अबे यहाँ पीना अलाउड नहीं है। मांगना तो अलाउड है ना? क्यों? नॉमिनल रोड चेक करो।
गार्ड, इन सबको लाइन लगवाओ। चलो। क्या सर, ये अपने ही लोग हैं, वही देख रहा हूँ। और ऐसी जेली भी है यहाँ। क्या बोलता है गुटू, भरोसा नहीं हो रहा है? ये मुल्क सुधर गया क्या? वाह गुटू, बिस्तर की खुशबू ऐसी होती है। आए, आए। वहां मुल्तान जेल में जमीन पर सोते थे। अगर जमीन मिल जाए तो सर, एक सेल में 35 लोग होंगे तो क्या खाक जमीन मिलेगी? तुम लोगों की जात वक्त से पहले समझ में आ रही। कौन सी यूनिट सर? 21st Squadron MiG-21 फ्लाइट लेफ्टिनेंट राम, और ये गुलटू, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुलटू। अम्बाला से एक साथ ही उड़े थे, एक साथ गिरे और एक ही साथ पकड़े गए। अब कितने काम एक साथ करते हो? अभी एक साथ कमा रहे हैं सर, और एक साथ शादी भी करेंगे। क्यों? हाँ यही बात, एक ही लड़की में छुप। आप लोग कब लाए गए यहाँ? 3 महीने पहले सर। और हमें लाने का मतलब? अरे सर, मैंने सुना है ये लोग काटने से पहले बकरे को खूब खिलाते पिलाते हैं। शट अप। सॉरी बोल। सॉरी सर। सर आप लोग के नए कपड़े सिराने रखवा दिए गए हैं, कुछ और जरूरत हो तो बतला दीजिएगा। विस्की मिलेगी सुबेदार साहब? आप लोग आराम कीजिए, किसी भी चीज़ की जरूरत हो तो सुबेदार अहमद से बोल दीजिएगा। हाँ कैप्टन, मुझे सुबेदार अहमद की मदद की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगा। ओके सर। कबीर। गुड नाइट सर। नाइट। सर आप सोए नहीं अभी तक? बस सर हवा ले रहा था। कैसे हैं वो लोग? सर ठीक, वैसे ही जैसे 3 महीने पहले हम लोग थे। क्या बात है अहमद? कुछ नहीं सर, घर की याद आ रही है। नहीं बस ऐसे ही। पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और कबीर, अभी दिल्ली में बारिश हो रही होगी ना? हाँ सर, अगर मौसम विभाग ने फॉर अ चेंज से रिपोर्ट दे दी हो तो। और तुम्हारे पुणे में? वहाँ तो सर 12 महीने मौसम अच्छा रहता है। पुणे इज ग्रेट दैट वे। जेकब, कोचिन में तो आजकल धूप होगी नहीं? हाँ वहाँ वक्त से पहले ही बारिश हो जाती। अरे हाँ, अरे अहमद, तुम्हारे मुर्शिदाबाद में? मालूम नहीं सर, 3 महीने के पेट से थी जब छोड़ कर आया था। अब तक तो दो हो चुके होंगे। अरे क्यों गाली दे रहे हैं सर, जब मैं यहाँ हूँ तो दूसरा कैसे हो गया होगा? क्यों, जड़ो नहीं हो सकते क्या? कम ऑन, गेट अप, गेट अप, चेयर अप। अहमद आज परेशान है अपने घर को याद करके, हम सब परेशान हैं हिंदुस्तान को याद करके, अपने सगों को याद करके। हम इस परेशानी को झेल गए, हम जिंदा हैं। जो नहीं झेल पाए वो बैरक नंबर 6 में चले गए। उन्हें आज पागलों के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान ने हमें क्यों भुला दिया हमें मालूम नहीं, पाकिस्तान हमें क्यों भुला देना चाहता है हमें पता नहीं। बहरहाल उम्मीद के अलावा जिंदा रहने का कोई और सहारा नहीं होता। हम भी इस उम्मीद के सहारे जिंदा हैं कि हम कभी हमारे अपनों से कभी मिल पाएंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि ये उम्मीद हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं होती। मैं एक बार फिर आने वाले कल का इंतजार करूंगा। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। मैं अहमद, सूबेदार अहमद,
टहल रहा था, आपको देखा, सोचा बात की जाए। कुछ खास नहीं, बस ऐसे। कोई बात नहीं, लीजिए कबाब लीजिए। शुक्रिया। ले लो, एक तो ले लो। अरे गरम है, कहाँ से मिले? यही मंसीरा से। काफी थक गए होंगे, 48 घंटे की जर्नी भी नहीं, सिर्फ 8 ही घंटे लगे। सर, क्या मालूम पड़ा? मंसीरा 8 घंटे सर, और जीप का नंबर इस्लामाबाद का है। कोई बड़ा स्टेशन नहीं है, किसी को मालूम है? मुझे याद आया सर, एक छोटा सा इलाका है ये, यहाँ। पक्का? ये सर, मंसीरा यहाँ पड़ता है। ठीक सर। लोग इस्लामाबाद से अगर 8 घंटे में नॉर्थ की ओर चलते हैं तो हम कहाँ पहुँचते हैं? मंसीरा यहाँ पड़ता है, हम लोग यहाँ, ठीक अबुदाबाद के ईस्ट में। ठीक सर, और हम अबुदाबाद के वेस्ट में नहीं हो सकते क्योंकि आसपास पहाड़ है। ईस्ट की ओर यहाँ से चलते हैं तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर पे मुजफ्फराबाद आ जाता है, और वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर ईस्ट में आता है बारामुल्ला, उरी, यानी हमारा हिंदुस्तान। होली शिट, हम लोग बॉर्डर के इतना पास हैं। एब्सोल्यूट नॉनसेंस, आप नामुमकिन की तरफ इशारा कर रहे हैं। कोई चीज करने से ही मुमकिन होती है सर, उसमें ये चीज नहीं आती। एक मुल्क की पूरी मिलिट्री और इंटेलिजेंस को धोखा देकर आप सरहद पार पहुंचना चाहते हैं, वो भी बिना पासपोर्ट, बिना डॉक्यूमेंट्स के। पर उससे पहले सवाल यहां से निकलने का है सर। उस सवाल पे तो मैं गौर ही नहीं कर रहा हूं मेजर, क्योंकि उसका कोई जवाब नहीं है। जवाब ढूंढने से मिलते हैं सर, बॉर्डर के इतने नजदीक एक साथ रहने का मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा, और ना ही एक साथ मरने का। मगर सर, अब भी क्या गारंटी है कि हम कभी जिंदा हिंदुस्तान पहुंच पाएंगे? जब अफसर बात कर रहे हैं तो बीच में मत बोला करो। सॉरी सर। कैप्टन सर, बॉर्डर के नजदीक रहने में और बॉर्डर को क्रॉस करने में फर्क होता है, ये कोई फिल्म नहीं चल रही है। फिर हम क्या करें? हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? क्यों, हम रिपैट्रिएशन का इंतजार कर सकते हैं। 6 साल से इंतजार कर रहे हैं सर, अभी तक तो हुआ नहीं रिपैट्रिएशन। रिपैट्रिएशन एक बड़ी चीज होती है कैप्टन, इतने सारी कैदियों को वापस लौटाने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है, उसमें देर लगती है। तो उस देर लगने के वक्त में हम लोग पागल होते रहे। मेजर, पूरी दुनिया को बताया कि हम लोग यहाँ हैं, हर अखबार में ये खबर, रेड क्रॉस से लेकर सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात को जानती है। फिर जिनेवा कन्वेंशन के तहत जंग खत्म हो जाने के बाद दूसरे कैदियों को वापस लौटाना एक इंटरनेशनल लॉ है, और कोई भी कंट्री इस लॉ को आसानी से नहीं तोड़ सकती। और जिनेवा कन्वेंशन के तहत जो हमने 6 साल बताए उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ तो चेंज भी तो हमारी आंखों के सामने है, इस कैंप को देखकर नहीं लगता कि इन लोगों को अकल आ चुकी? यही सवाल मेरा है सर, कि एकदम से इतनी बड़ी अकल खा जाना क्या अपने आप में चौंकाने वाली बात नहीं है? हम सबको अलग अलग जेलों से यहाँ लाना, एक साथ एक ही जगह पे रखना, और वो भी बॉर्डर के इतना नजदीक, आपको इसमें किसी प्लानिंग की गंध नहीं आती? This is it. ये आखिरी जेल था जिसका मुआयना करना बाकी रह गया था। अब आप क्या कहती हैं? आप बोलिए अनुराधा जी। लेकिन खत तो पाकिस्तान से ही आया है ना, और उसमें साफ साफ लिखा है कि हम लोग जिंदा हैं और पाकिस्तानी जेलों में कैद हैं, और मैं अपने हस्बैंड की हैंडराइटिंग अच्छे से पहचानती हूं। देखिए, आप लोग दिल्ली से इतनी तकलीफ उठाकर यहां आए हैं, आपके कहने पर रेड क्रॉस भी इतनी दूर आई है, आपके सामने हर जेल का मुआयना किया गया है। मैं पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन की हेड होने के नाते आपको यकीन दिलाती हूँ कि कतर की जंग का कोई भी हिंदुस्तानी फौजी हमारे यहाँ नहीं है। आप क्या कहें? थैंक यू कर्नल,
आपने बहुत जहमत उठाई। अरे जहमत किस बात की, तो हमारा फर्ज था। बस कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, इस पेपर पे जरा साइन कर दीजिए। इसमें क्या है? इसमें यही लिखा है कि आप अपनी तफ्तीश से सेटिस्फाइड हैं और मुआयने के बाद आपने खुद पाया है कि यहाँ पे 71 की जंग का कोई भी कैदी नहीं है। What do you say, Daniel? All right. ये नहीं हो सकता, वो जिंदा है, वो जिंदा है, मैं नहीं मानती। वैसे सर आपका आइडिया तो बड़ा कामयाब रहा, सारे पीडब्ल्यूज को अलग अलग जेलों से निकालकर चकलाला भेज दिया, वरना एक भी रेड क्रॉस के हाथ लग जाता तो मुल्क की बड़ी बेइज्जती होनी थी सर। सर वैसे पेपर्स तो उन्होंने साइन कर ही दिए हैं, बस इतना एहतियात बरतना होगा कि जब तक रेड क्रॉस पाकिस्तान में है चकलाला वाले कैंप में कोई गड़बड़ी ना हो सर। वो सब मैं संभाल लूंगा, आप चकलाला चलने की तैयारी शुरू कीजिए। वेरी वेल सर। बहुत बार बनाया हुआ है मैंने कश्मीरी दमाल। जोड़ीदार कहाँ तुम्हारा? सर अंदर खाना बनाना सिखा रहा है, बुलाऊं? बुलाओ। अबे गुड्डू! हाँ जी। सर बुला रहे। अभी हाँ ठीक है। बुला रहे हैं, अभी सिखाता हूँ तेरे को। अरे यू? अरे बाल! सॉरी सर। हाँ? क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं सर, वो कश्मीरी दमालू बनाना सिखा रहा था। अब तुम पाकिस्तानियों को कश्मीरी दमालू खिलाओगे? खिला कौन रहा है सर, एक ही तो जगह जहाँ हमारा ऑर्डर चलता है। तो ये सिग्नल रूम है सर, कैंप की सारी बिजली सर यहीं से कंडक्ट होती है, स्पेयर बैटरी भी सर रिचार्ज होती है सर। ओके सर, इसे मैंने जानबूझ के अपने ऑफिस में लगवाया है, सो दैट नोबडी हैज एनी एक्सेस टू इट सर। गुड सर, आज रात से सारे फैंस में बिजली दौड़ने लगी, सायरन भी ऑपरेटिव हो जाएगा सर, आई मीन फुल प्रूफ सिक्योरिटी सर। वेरी गुड, थैंक यू सर। आइए कर्नल बैठिए, आपके लिए एक बड़ी खबर है भाई। आप लोगों को हिंदुस्तान वापस लौटाया जा रहा है। What? जी हाँ, कार्रवाई पूरी हो चुकी है, ले जाओ। यस सर, ये रिपैट्रिएशन के पेपर की कॉपी है और ये कॉपी रेड क्रॉस के लिए। कंग्रेचुलेशंस कर्नल। थैंक यू कर्नल। मैं सिर्फ यही खबर देने के लिए आया था। नाउ एंजॉय योर स्टे एट द कैंप, जब तक आप लोग यहाँ पे हैं हमारे मेहमान बनके रहिएगा। ये एकदम से कैसे हुआ भाई? एकदम से नहीं होता ये सब, ऐसे मामलों में थोड़ा वक्त लगता है, प्रोसेस काफी दिनों से चल रहा है, और दो तीन महीने लग सकते हैं। आप लोगों के लिए कर्नल साहब की तरफ से बड़ा खाना है, और साथ ही आप सर, आप बताएंगे सर? भाई आप लोगों ने काफी अरसे से फिल्म नहीं देखी होगी, हाल ही में एक फिल्म है काफी चली है, तो खुले मैदान में स्क्रीनिंग करते हैं। I can't believe it. You better believe it, Colonel. हमारा मुल्क इतना खराब नहीं जितना कि आप सोचते हैं। Good luck. Thank you, Colonel. नहीं, इसे आप रखिए, बाकियों को भी खबर कर दीजिएगा। साड़ी यारी
तोड़ न पाए ए गीत गाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण 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 नू जी कर दे भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे साडा भंगड़ा पाण नू जी कर दे आवे दुनिया आ जाए ए साडा भंगड़ा रोक ना पावे तुम्हारा हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया। कोई बात नहीं सर, वापस जाके फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर लूंगा। राइट, कुछ एक बातें फिल्मों में ही अच्छी लगती है। कम ऑन बॉयज, चलो भाई। मैं अमृतसर नहीं जाना। क्या हुआ सर? मैं गलत नहीं था कैप्टन। अहमद, जैसा कि कहा जा रहा है कि 71 की लड़ाई के पकड़े गए हिंदुस्तानी फौजियों के कुंबों ने इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी से दरख्वास्त की है कि वो उनका पता लगाने में उनकी मदद करें। उनका दावा है कि पाकिस्तान के अलग अलग जेलों में रह रहे इन फौजियों की हालत बहुत ख़राब है, इनकी जल्द से जल्द खबर ली जाए और इनको वापस हिंदुस्तान लौटाने के लिए कदम उठाए जाएं। जनरल ज़ियाउल हक की सरकार ने रेड क्रॉस को यहाँ की हर जेल का मुआयना करने की इजाज़त दे दी है। ज़ियाउल हक, भुट्टो का क्या हुआ? पाकिस्तान में सरकार बदल चुकी है कैप्टन, मिलिट्री रूल आ चुका है। जनरल ज़ियाउल हक की सरकार ने रेड क्रॉस को यहाँ की हर जेल का मुआयना करने की इजाज़त दे दी है और खुले तौर पर कहा है कि शिमला समझौता के तहत 71 की लड़ाई के सारे हिंदुस्तानी फौजी लौटाए जा चुके हैं और इस वक्त पाकिस्तान के किसी भी जेल में हिंदुस्तान का कोई भी फौजी मौजूद नहीं है। इस तरह के बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ाम लगाने के पहले हिंदुस्तान को 5 बार सोचना चाहिए। इसका मतलब सर? मतलब ये कि रेड क्रॉस पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद है और इन्हें डर है कि वो लोग यहां ना आ जाए। बॉर्डर पर टेंशन पड़ी है और हम बॉर्डर के बहुत ही नजदीक हैं। भागने का अटेम्प्ट एक बार हमारी तरफ से हो चुका है और ये लोग तसल्ली करना चाहते हैं कि जब तक हम यहां पर हैं दूसरा ना हो। रेड क्रॉस के पाकिस्तान से निकलने के साथ ही ये कैंप खत्म कर दिया जाएगा और हमें वापस उसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से हम आए थे और दुनिया को मालूम ही हो पाएगा कि हम पाकिस्तान की जेलों में सड़ते हुए कब मर खप गए।
मगर ऐसा हो नहीं सकता, मुझे पूरा भरोसा है। ये लोग हमारा ख्याल रख रहे हैं और इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मेरे ख्याल से इनकी ईमानदारी पे शक करना बहुत बड़ा पाप होगा। सर, मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग अपनी कही हुई बात को अमल में लाएंगे और हमें वापस हिंदुस्तान पहुंचा दिया जाएगा। क्या सुना तुमने? सर वही सर जिस पर हमको शक था सर। क्या सर? जिस पर आपको शक था सर। मतलब? मतलब सर, सर वो तो हम रास्ते में सोच चुके थे सर। वो तो जिसमें जान ही बाकी नहीं थी, वरना यहाँ पहुँचने के पहले सर हम भागने के बारे में सोच चुके थे सर। ये सर, ये सर। और सर यहाँ से निकलने के बाद आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो ये है सर। छोड़ो उनको। थैंक यू सर, थैंक यू सर। इस अखबार को जला देना है मत। ठीक है सर। और बाहर किसी को इस बात की कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। यस सर। और एक बात का ख्याल रखना, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जो करना है कल से ही करना है। कल से क्यों सर? आज से क्यों नहीं, अभी से क्यों नहीं? क्या मतलब? क्या सर? सर आपसे रिक्वेस्ट है सर, ग्रुप फोटोग्राफ की सर। लाइन में नहीं है सर, प्लीज सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करने आए थे सर। वो क्या जगह का नाम था, जामा मस्जिद के पास? थैंक यू। करीम? हाँ करीम सर। ये लोग एक ग्रुप फोटोग्राफ चाह रहे थे सर। यस सर, प्लीज सर एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज। श्योर श्योर, बट वेयर आर यू टू फ्रॉम? सर आई एम फ्रॉम दिल्ली सर। एंड यू? श्रीनगर, कश्मीर। सर कभी आया है उस तरफ? भाई उस तरफ वाले कश्मीर में तो नहीं। आप दोनों कुछ ग्रुप फोटोग्राफ के बारे में फरमा रहे थे। हाँ सर, प्लीज सर। यस सर, प्लीज। तो चलिए ऑर्गेनाइज करिए, हम आते हैं। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमारी मुहिम शुरू हो चुकी थी। हमने तय कर लिया था कि हम यहाँ से भागेंगे। दिन मुकर्रर हुआ 14 अगस्त यानी पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे। और उसी रात को सुबेदार अहमद ने कर्नल पुरी की मौजूदगी में कैप्टन जेकब पर हाथ उठाया, जिसके लिए उसे अगले दिन सुबह की परेड में 10 किलो बोझा उठाकर चलने की सजा मिली। सामने देख। सर मैं नहीं चलूंगा। मैं कह रहा उठाओ उसे, उठाओ। आप मेरे अफसर नहीं हैं। मैं तुम्हारे अफसर का अफसर हूँ। तो अभी तक कहाँ थे? डोंट आर्गू विद मी, यू बास्टर्ड। काली मत, इस तरह मुझसे भी ऐसे ही बोला था। तुम मुझसे दोबारा खाना लाने के लिए बोलो, फिर बोलूंगा। सर का ख्याल तुमने रखोगे तो कौन रखेगा? अगर सर तुम इंडिया में हो तो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हो गया। कोर्ट मार्शल? ओके बस। मेजर सूरज सिंह, मैं इसके कोर्ट मार्शल की कार्रवाई यही शुरू करना चाहूंगा। सर ये POW कैंप है, आपकी बटालियन नहीं, और फिर हम किसी दूसरे मुल्क में हैं। मगर फौज में तो है, एंड रूल्स आर रूल्स। सर हिंदुस्तान पहुंचकर क्या ये कोर्ट मार्शल वैलिड रहेगा? हिंदुस्तान पहुंचकर हमें फौज से निकाला नहीं जाएगा, हमें वापस अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। और फिर यहाँ कोई लीगल सेटअप? लीगल सेटअप क्रिएट किया जा सकता है। कर्नल पुरी इज राइट, मैं इस केस को प्रोसिक्यूट करना चाहूंगा। नया शगुफा खिल गया आज कैंप में? यहाँ सर उसका कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। बैरक कोर्ट लगाने की दरख्वास्त की है सर, कह रहे हैं कि 15 अगस्त तक फैसला कर देंगे। सर वैसे 14 अगस्त को तो आप आ ही रहे हैं। हाँ क्या कहते हैं कर्नल? करने दीजिए, 1-2 महीने की बात और है, हमारी सरदर्दी भी थोड़ी कम होगी। ठीक है, परमिशन ग्रांट। इस बार 14 अगस्त को काफी धूमधाम से मनाने के ऑर्डर्स हैं। जनरल जिया की सरकार का पहला इंडिपेंडेंस डे है। अब बड़े दिनों बाद इनकी सरकार आई है, देखें ये क्या करते हैं। क्या बंदोबस्त है मेजर? सर खुद सुल्ताना खानम से बात हुई है और उन्होंने भी यहाँ कर दिया सर। बॉर्डर के हर कैंप की शाम जश्न के नाम है सर। वेरी गुड सर। वो सर एक आखिरी बात है सर,
सर, ये लोग 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कुछ नए कपड़ों की डिमांड की है सर, और साथ ही झंडा पेंट करने के लिए कुछ कलर्स और कुछ डाई भी मांगे सर। डिमांड करने की हालत में है ये लोग। दे दो, मगर सब कुछ अपनी निगरानी में करना। अगले दिन सुबह से शकलाला कैंप में पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे की परेड की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। चारों तरफ पाकिस्तानी बैंड की आवाजें गूंज रही थी, और इन्हीं के साथ हमने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। पूरा मिला पूरा। अरे 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 भाईजान, ये हरा रंग गिर गया, थोड़ा और मिलेगा। आराम से घुमा, सब ठीक है ना? ले पूरा घुमा। और रंग मत मांगना, उनको शक हो जाएगा। ये काफी पड़ेगा, देखते हैं। ले ये है पाकिस्तानी, सूखने के बाद लगेगी, लेकिन पहले सवाल इसे टाई करने का है। उसके लिए आग चाहिए, उसके लिए भट्टी लगेगी, और भट्टी के लिए गड्ढा खोदने देंगे ना? कंकर, हाँ, गुड़ भर लिया। गुड़ का शरबत? हाँ सर, बहुत लजीज होता है सर। दिल्ली के पास एक गांव है गुड़गांव, वहीं बनाया जाता है सर। बनाओगे कैसे? सर, पहले गुड़ को मटके में डाल के जमीन में गाड़ेंगे, उसके बाद उसे निकाल के उबाल लेंगे बस। मतलब भट्टी लगेगी? हाँ सर। ठीक है, गड्ढा 1 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा सर। सुनो। जी जनाब। सब कुछ तुम्हारे आंखों के सामने होगा। जी जनाब। काम खत्म हो जाने के बाद औजार वापस लेना। जी जनाब। अहमद का कोर्ट मार्शल शुरू हो चुका था। ये लोग खुश थे कि कोर्ट मार्शल की वजह से हमारा ध्यान अपनी दूसरी खुराफातों से हट चुका होगा, और हमारी पूरी कोशिश थी इस कोर्ट मार्शल के जरिए अहमद को किसी भी तरह मेजर करामत के ऑफिस के अंदर पहुंचाया जा सके। How do you plead, Subedar? Guilty or not guilty? He pleads not guilty. अब आपके सामने लेफ्टिनेंट गुड्डू आपको एक्सप्लेन करेगा। एक्सप्लेन कर सर। सबसे पहले टीकर के पेड़ की छाल निकाली। रुसे बर्तन में डाला। एक मिनट, ये टीकर की छाल क्यों? फ्लेवर के लिए भाईजान, फ्लेवर के लिए। आप आगे देखिए ना। उसके बाद गुड़ को भी उसी बर्तन में डाला। अब उस बर्तन को ढकेगा। बर्तन को ढका। अब आधे घंटे का इंतजार और निकलेगी पहली धार। इंतजार करेगा, इंतजार कर। हाँ। The court is urgent till tomorrow. Last objection, sir. सुबेदार अहमद को 15 अगस्त की परेड में शामिल होने से रोक लगाई जाए। Objection, sir. सुबेदार अहमद पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है। But he's accused, sir. और accused परेड में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जाती है, sir. After all, he has fought for the Indian Armed Forces. And he has insulted the very same Indian Armed Forces. Objection of the prosecution is sustained. सुबेदार अहमद को 15 अगस्त की परेड में शामिल होने से रोक लगाई जाती है। ठीक है, चलो भाई, आज का काम हो गया है। शरबत बाद में मिलेगा।
हम हर गुंजाइश पर गौर कर चुके थे, हर पहलू ठोक बजा कर देख चुके थे और एक ही नतीजे पर पहुंचे थे कि 14 अगस्त की रात यहां चल रहे जलसे में एक बहुत बड़ी भगदड़ हो जिसकी भीड़ की आड़ लेकर हम यहां से निकल सके। और भगदड़ के लिए चाहिए था एक धमाका, और धमाके के लिए चाहिए था एक बॉम्ब। बॉम्ब हमारे पास नहीं था। तभी जेकब एक बहुत ही पुरानी तरकीब निकाल कर लाया। इसका एक्सप्लोजन पावर कितना होगा सर? 25 लाख के बराबर। मतलब सर एमिनेशन बैरक उड़ जाएगा। टाइट टाइट, वहां से नीचे बड़ी वाली सर। ये ना? हाँ सर। होल्ड इट टाइट, वेरी टाइट। हाँ सर, यस। टाइट टाइट टाइट। घुमाओ घुमाओ। ये किसी ने नहीं देखा कि किसने किस पर पहले हाथ उठाया, और फिर वही सजा आपने कैप्टन जेकब को क्यों नहीं दी? डॉन माइंड मेजर, क्या आप सूबेदार अहमद की तरफदारी इसलिए नहीं करते आए हैं कि वो आपका मुंह लगा है? प्लीज डोंट माइंड सर, क्या आप सूबेदार अहमद से नफरत इसलिए नहीं करते आए हैं क्योंकि वो एक मुसलमान है? ठीक है, आप हिंदुस्तान पहुंचकर मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। सवाल अभी का है सर, उसके मेंटल स्टेट का है। ऐसे टॉर्चर के चलते अगर वो नेशन के खिलाफ हो जाए तो क्या उसे गलत माना जा सकता है? ऐसे ही लोग दूसरे मुल्कों के लिए स्पाइंग करते हैं और जासूसी करते हैं। क्या गारंटी है कि हिंदुस्तान पहुंचकर वो इंडियन आर्म फोर्सेस के प्रति उतना ही वफादार रह पाएगा जितना अभी है? हाँ सर, मैंने इसलिए फोन किया था कि वो इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में अपने किसी बंदे की जरूरत थी ना सर। जी सर, नाम है सूबेदार अहमद, शिया मुसलमान है सर। जी सर। सर प्रॉब्लम यही है कि इन्हीं में से एक है। यस सर, मतलब एक को जिंदा डिक्लेयर करना पड़ेगा सर। हाँ सर, आदमी काम का सर। जी हाँ सर, वही मैं कह रहा हूँ कि एक असल आजमा के देखते हैं। मतलब अभी तक सब कुछ ठीक ही चल रहा है। तुम लोगों को ठीक 15 मिनट में एक्शन में आना है, ठीक है? निकलो। ये जो मेजर सूरज सिंह ने कहा ये सच है? जी सर। तो तुम इस कोर्ट मार्शल से इनकार क्यों नहीं करते थे? सर हिंदुस्तान जाकर और चचालेदार होगी, तब मेजर साहब भी नहीं होंगे। और सर एक जगह पहुंचकर ये सब एक जैसे हो जाते हैं। आपको नहीं मालूम वहां क्या हालत है। मैं एक कैद से निकालकर दूसरी कैद में भेजा जा रहा हूं। मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूं? मतलब ऐसा जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो। सर आप मुझे इस कोर्ट मार्शल से छुटकारा दिलाइए। अहमद, ये तो बहुत मामूली काम है, इससे भी ज्यादा कुछ। मतलब तुम अपनी फैमिली के साथ हिंदुस्तान जाके आराम से रह पाओ, रुपए पैसे की कोई दिक्कत ना हो, ऐसा कुछ। मैं समझा नहीं सर। रात बहुत हो चुकी है, बाकी बातें बाद में। क्या हुआ? जनाब कुछ नहीं था, शायद जानवर था। स्टेशन को बोलो मुझे रिपोर्ट करें जल्दी। अहमद ने करामत का भरोसा जीत लिया था। वर्दियों में लगने वाली एक्सेसरीज, बेल्ट और बिल्ले एक एक करके उसके जरिए हमारे पास पहुंच गए। और साथ ही उस शाम राम और गुरटू ने गुड़ का शरबत बना डाला।
बेस्ट ऑफ थ्री एक और सर लकी क्या हो रहा है अरे इन दोनों ने कमाल कर दिया कर्नल सुकुर हिंदुस्तान पहुंच कर मैं तुम दोनों को लेटर्स लिखूंगा कैसे हुआ ये सब मालूम नहीं सर इन्होंने गुड़ से कुछ बनाया था सर तुमने ये पी रखी है बशीर फुरगस का क्या किया उन्हें जला दिया सर कर्णपुरी तुम्हें ना जला देकर अरे सर वो घोड़े बेच के सो रहे हैं अब तक तो जोधपुर पहुंच के ड्यूटी भी ज्वाइन कर ली होगी उन्होंने पिछले जन्म हनुमान थे क्या सर आजकल तो विभीषण हो रहा हूँ तो क्या खबर है सर 14 अगस्त की सुबह इनकी फ्लैग होस्टिंग है उसके बाद शाम को कोई गजल सिंगर है सुल्ताना खाना वो आ रही है उससे पहले कर्नल शकूर और ISI के कुछ बंदे आ पहुंचे होंगे और सर यहाँ जितने भी नए गार्ड्स हैं उन सब के हाथ में M16 असॉल्ट राइफल और माउंटेड LMGs हैं सब के सब अमेरिकन मेड एकदम एडवांस्ड किसी भी बस्ट के चुकने का सवाल ही नहीं उठता और सर सिग्नल रूम में 3 डिमर्स हैं करंट सायरन और लाइट के साथ ही टेलीफोन की मेन वायरिंग भी इनको बंद करने से काम नहीं चलेगा सर इन्हें डैमेज करना पड़ेगा कभी सर मुझे फेस देखने पड़ेंगे तुम्हारे बॉम्ब का क्या हाल है उसे पानी से बचाना होगा सर अगर बॉम्ब में पानी लगा तो बॉम्ब बेकार हो जाएगा सर और कुछ सर अगले 15 दिनों के अंदर अंदर ये कैंप खाली करने के ऑर्डर आ चुके हैं मतलब 15 दिनों के बाद रेड क्रॉस पाकिस्तान में नहीं रहेगा 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे शाम को जलसा चल रहा हो कभी मैं सिंगल रूम संभालूंगा सर जेकम सर हम फैंस के आसपास ही रहेंगे आपका सिग्नल मिलते ही आपके करीब आ जाएंगे यहाँ से निकलने के बाद सर यहाँ से 20 किलोमीटर साउथ में अहमदाबाद पड़ता है अगर हम लोग बीच में अलग होते हैं तो सब लोग वहीं मिलेंगे सर यहाँ से निकलने के बाद बाहर वाली सड़क को फॉलो करना है सर पहला शहर वहीं पड़ता है ठीक है अगला प्लान ऑफ एक्शन वहीं सोचेंगे ध्यान रहे एमुनिशन के नाम पर हमारे पास सिर्फ एक बॉम्ब है अगर वो गलत पड़ गया तो सब खत्म बाकी ईश्वर पर भरोसा रखना एक चांस ले रहे हैं निकल गए तो ठीक वरना खुली हवा में मरने का सुख तो कहीं नहीं गया और हम में से एक भी जिंदा उस पार पहुंच गया तो बाकी लोगों के रिहाई के रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे ठीक उधर भी मारो ठीक इधर मारो उधर भी ले लो ठीक है जनाब हाँ ठीक है
अरे ये वर्दी ढीली है, मेरे साइज की नहीं मिली क्या? होशियार राम गुड्डू सर, सिख रिपोर्ट करेंगे सर, 8 घंटों के बाद आपसे मुलाकात। पोजीशन आर्मी जीप्स। कबीर सर किचन संभालूंगा सर, सुबेदार अहमद के पोजीशन लेते ही पोजीशन सिग्नल रूम। आठवें गांव तक आपके साथ सर, कबीर की हरकत में आते ही मूव करूंगा, टारगेट उसी बैरक। अहमद सर प्रोग्राम शुरू होने के 2 मिनट बाद पहला बू कैप्टन कबीर के लिए सिग्नल, मेरे अंदर जाते ही कैप्टन जेकब की हरकत, बैक डोर से कैप्टन कबीर को हेल्प चौकन्ना होकर पोजीशन पे वापसी। वर्दी नहीं दिखनी चाहिए, कम ऑन बॉयज। मैं प्रोग्राम शुरू करने की इजाजत चाहता हूं जनाब। प्लीज डू। थैंक यू सर। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के इस मुबारक मौके पर मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मशहूर और मारूफ सुल्ताना खानम का, जो पाकिस्तान की गजल में एक दूसरा नाम है। अपने मसरूफ वक्त में से कुछ लम्हे निकाल कर वो आज हमारे बीच मौजूद हैं, तो आइए सुनते उस आवाज़ को जिसने पाकिस्तान की गजल को एक नई बुलंदी पर पहुँचाया है। तो पेश खिदमत है सुल्ताना खानम। कुछ नहीं भाईजान, वो जरा स्टोर रूम की चाबी हमें पूछ लो यार क्या चाहिए। Sajna, Sajna.
मत। अरे बॉम्ब के लिए आओ क्या? तुम जाके कबीर को रुको, मैं सर को रुका, नहीं तो सुसाइड हो जाएगा। कबीर सर, जनरेटर को क्या हुआ? Where's the bloody blast? जनरेटर चेक करो। मैं तुम्हें 20 मिनट से कॉल कर रहा हूँ। रिपोर्ट योर लोकेशन, ओवर। मैं अबूताबाद की तरफ बढ़ रहा हूँ। ओके, ओवर। 2240, तुम्हारे साथ और कौन कौन है? ओवर। सुल्ताना खानम और हमारे चार जवान। तुम वहाँ पहुँच कर मेरे फर्दर ऑर्डर्स का इंतजार करो, और रस्ते में कोई भी मिलिट्री व्हीकल्स मिलती है उन्हें कैंप की तरफ रवाना करो। ओवर। उस गाड़ी में हमारे लोग। ये हाईवे है और इसके आगे मुजफ्फराबाद यहाँ पड़ता है। यहाँ तक पहुँचने का कोई और रास्ता है? इसके बाद ये गोली चला देगा और मैं रोकूंगा भी। यहाँ से एक कच्चा रास्ता मुड़ता है जो बाईं तरफ जाता है। चल जीप घुमा डालो। हेडलाइट ऑफ रहेगी। क्या हुआ? मैं नहीं चला पाऊंगा सर, आगे बहुत खराब रास्ता है। राम। यस सर। ये पकड़। चल अंदर चल। अब आगे रास्ता इसको बतलाते रहना और याद रखना हम पर खून सवार है। जैकब। जी सर। रास्ते में मैप स्टडी कर लेना टॉर्च की रोशनी। ओके सर। चलो। सर, 6 लोग गायब हैं, मेजर सूरज समेत। हट! हॉक 1 फॉर टाइगर, हॉक 1 फॉर टाइगर, मेजर बिलाल मलिक हियर, रिसीविंग स्ट्रेंथ 5, पास द मैसेज ओवर। हॉक 1, 6 कैदी अबादाबाद की तरफ भागे हैं। ये सारे कपड़ों में हैं, कैरी आउट, एरियल सर्च इन चार्ली एक्सरे एरिया। 6 किलोमीटर रेडियस एंड रोड गोइंग टू अबादाबाद, ओवर। हाँ सर, दूसरी तरफ बढ़ रहा हूँ सर। सर, इन लोगों को प्रीवियस रिकॉर्ड मिल सकता है सर? ओवर।
What do you mean? Over. सर मेरे कहने का मतलब ये है कि ये लोग स्मगलर्स हैं, स्पाइस हैं, खूनी हैं, कौन लोग हैं ये? Over. How does that matter? Over. सर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इनके फोटोज मिल जाए, रिकॉर्ड्स मिल जाए, तो उनको डिस्प्ले किया जा सकता है अगले चेक पोस्ट पर और न्यूज़पेपर्स में. Over. अब बस जस्ट डू व्हाट यू बीन टोल्ड टू डू. All right, thank you very much, sir. Over, sir. अलर्ट रहना. और हमारे उनके बीच में सिर्फ इतना सा फासला है. ये सब कैसे हुआ? मुझे पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए. I'm telling you, Colonel. मैं कुछ नहीं मालूम. Oh, shut up, you bastard! करामत, yes sir. मुझे पूरी रिपोर्ट चाहिए. मालूम है कि जीप का नंबर 2240 है और वो अहमदाबाद की तरफ रवाना हुई है सर. ओवर. अहमदाबाद चेक करो. ओवर. कर चुका सर. वो वहाँ नहीं पहुंची है सर. और अगर जीप में हमारे लोग हैं तो कोई वायरलेस नहीं उठा रहा सर. ओवर. तो सड़क चेक करो. ओवर. अरे सर, लोग दिमाग खराब हुआ बेवकूफ है सर. ये सड़क रास्ते भागेंगे सर. इन्हें सुसाइड करना सर. ओवर. स्टॉप. ओवर. मतलब ये कि ये जंगलों के रास्ते गए सर. आप बांध अवेश कराइए, मैं भी निकलता हूँ. ओवर एंड आउट. नीचे उतरो. आ जाओ भाई. नीचे उतरो. ज्यादा समझदारी नहीं. उतरो नीचे. किसी को कुछ नहीं होगा. ज्यादा समझदारी नहीं. आ जाओ जल्दी. आगे आगे चलो. आगे जा. जल्दी जल्दी. इधर आओ. इधर राम रसिक. हां नहीं बेहोश करना. इधर. ए जल्दी. इतना नहीं बोला ना. जल्दी आइए. जल्दी. ठीक हो तुम? गोली छूकर निकले सर. अर्शो. हाँ सर. थोड़ा खून बह रहा है, बर्दाश्त करना पड़ेगा. ठीक. बॉडी को जीप को अंदर रखो और जीप को झाड़ी से ढक दो. जितना एमिनेशन ले सकते हो ले लो और इनके बटवे भी. ओके सर. जल्दी आ जाओ भाई. और सुनो राम गुट्टू. यस सर. इनको बेहोश करना पड़ेगा. यस सर. माफ कीजिए. चल भाई. आपको कुछ देर के लिए बेहोश होना पड़ेगा. बेटा आप हिंदुस्तानी हो? जी. तो यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए तासन लंबी है और वक्त बहुत कम है, बता नहीं पाऊंगा. आप फौजी हो? जी. 71 की जंग से? जी. हम भी पाकिस्तानी ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर रह चुके हैं. पिछले 4 महीने से रेड क्रॉस के इस रेड के बारे में बराबर अखबार में आ रहा था. हमारी आपसे गुजारिश है, आप हमें बेहोश मत कीजिएगा. यकीन करो बेटा, हमारे मुल्क से थोड़ा यकीन ही लेकर जाओ. अगले 20 मिनट में वो जीप पकड़ी जाएगी. वो अहमद ही था. हाँ सर. मेरे ख्याल से वो नहीं रहा सर. वो लोग सादे कपड़े में हैं, बहुत डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे किधर जाएं. उन्हें तो मैं नोच नोच के मारूंगा. इस वक्त किस तरफ गए वो लोग? इस्लामाबाद की तरफ. इस्लामाबाद की तरफ? आपको कैसे मालूम? मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना. अरे व्हाट्स योर सरप्राइजिंग अबाउट इट.
उन्हें रास्ता नहीं मालूम? उन्होंने आपको बेहोश क्यों नहीं किया? मालूम नहीं। अरे नहीं किया तो नहीं किया, उससे क्या फर्क पड़ता है? यस सर। कम ऑन एवरीबॉडी मूव। तीन गाड़ी और रवाना करो, नीचे जी, तीन गाड़ी इधर लगाओ। चलो चलो जल्दी, गो फास्ट। मलिक मलिक, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू इडियट? जल्दी सर, कमिंग सर, कमिंग सर। सर, मिलिट्री की हर गाड़ी के डैशबोर्ड मैप रहता है सर, और इस गाड़ी का डैशबोर्ड खाली था सर। What do you mean? Over. मतलब ये कि वो मैप गायब है सर, मतलब ये कि वो मैप इनके हाथ में है सर, और मतलब ये कि ये लोग सुप्रभात की तरफ गए हैं सर। अगर ये लोग मिलिट्री मैप समझ सकते हैं तो, और अब मैं सर आपसे आखिर बार पूछ रहा हूँ सर कि क्या ये लोग मिलिट्री मैप समझ सकते हैं सर? ओवर। मतलब क्या ये लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं सर? क्या इनका फौज से कोई भी ताल्लुक है सर? ओवर। मैं भी तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, कान खोल के सुन लो मेजर, ये लोग सादे कपड़ों में हैं और इनका फौज से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके सर, ओवर एंड आउट। सर चल रहा है, 6 लोगों की तलाश है। कौन लोग हैं सर? ये तो नहीं बताया। फर्स्ट एड मिलेगी? थोड़ी चोट लग गई है। यस सर। सलीम फर्स्ट एड बॉक्स लेके आना। ये लीजिए जनाब। शुक्रिया। जाने दो इन्हें। कैसा महसूस कर रहे हो? सर थोड़ी कमजोरी है लेकिन आप फिट हो सर। वेरी गुड। मुजफ्फराबाद पहुंचते के साथ ही हमें नए कपड़े लेने पड़ेंगे, ये वर्दी अब ज़्यादा देर तक काम में नहीं आएंगे। तुमने उन कुछ कमाई की? सर पूरे पाकिस्तान की तनख्वाह हमारे हाथ में। तुमने एक बात नोट की? क्या सर? ये लोग हमारी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं, ये चाहते नहीं है कि बात फैले। काश कि वो बुजुर्ग मोहतरमा वो कर दिखाए जो उन्होंने कहा था। हॉक वन, तुम फौरन एतबाद हॉस्पिटल चले आओ, वहां हमारा जवान होश में आने वाला है, उससे और इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ओवर। राइट सर, राइट सर। हमारा यकीन करें सबीना, हम सच बोल रहे हैं। कम से कम 70 हिंदुस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर को हमने अपनी आंखों से देखा है। ये कैंप चकलाला के करीब बनाया गया है और यहाँ से ये लोग मुजफ्फराबाद की तरफ भागे गए। मगर गवर्नमेंट तो कुछ और ही बोल रही है,
और रेड क्रॉस को भी कोई हिंदुस्तानी पीओडब्ल्यू नहीं मिला। इतने बड़े पाकिस्तान में 70 लोगों को छुपाना कोई बड़ी बात नहीं है सबीना। आप ये बताएं कि आप इसके बारे में क्या कर सकती हैं? रेड क्रॉस अभी पाकिस्तान में है, उनको ये खबर दी जा सकती है। क्या ये खबर अखबार में नहीं छप सकती? कोशिश की जा सकती है मगर ये लोग छापने देंगे नहीं। सबीना पहले आप रेड क्रॉस के पास जाएं, उनसे रابطہ कायम करें और फिर आप हमें फोन करें। जी आपको मालूम है इसके लिए आपकी साजिश जा सकती है? आपको मालूम है रेड क्रॉस अभी तक पाकिस्तान में मौजूद है? अगर यह खबर उन तक पहुंच गई तो दुनिया में मुल्क की कितनी बेकदरी होगी। वो तो अगर हम अलर्ट नहीं होते तो यह कैंप कब का पकड़ा जाता। रातों रात उन तमाम लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि आखिर यह सब हुआ कैसे। बिलीव मी आज़मी, यह एक हादसा था, एक्सप्लोजन की आड़ लेके वो भाग निकले। सिक्योरिटी का तो वरना हमारी सिक्योरिटी फुल प्रूफ थी सर। मैंने आखिरी मिनट तक मुआयना किया था। आपके आखिरी मिनट के मुआयने का मुआवजा पूरी सरकार को चुकाना पड़ रहा है। सॉरी सर। मेजर मलिक सर, आपकी क्या खबर है? सर मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है सर, क्या ये लोग हिंदुस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं सर? I'm sorry sir, मिशन की सीक्रेसी तो मैं अभी मेंटेन करूंगा, लेकिन आपको मुझे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी। एनीवेज अब पेशेंट को होश आ गया है। चलिए क्या हुआ था बताओ। वो लोग पांच हैं सर, उनमें से एक के पेट में गोली लगी हुई है। वो बहुत दूर तक नहीं जा सकते। और उन लोगों के पास हथियार हैं, मैप्स हैं, वो सब पाकिस्तानी यूनिफॉर्म में हैं सर, और अपने साथ आईडी कार्ड तक लिए हुए हैं। ये कैसा हो गया कर्नल? आई जस्ट डोंट नो कर्नल, दिस इज बड़ी हेल। ये लोग मुजफ्फराबाद की तरफ गए सर। मैं निकलता हूं सर, अभी साथ चल रहे हैं। अंदर बैठो इंडियन। यस सर। मार लो सो यार। All stations data bravo, all stations data bravo, information of prisoners, I repeat, information of prisoners, ये लोग पांच लोग हैं, इनमें से एक के पेट में गोली लगी हुई है। All stations report मुजफ्फराबाद, all stations report मुजफ्फराबाद, arrange quick reaction teams and search parties, okay, एक एक होटल को चेक करो, साथ में हॉस्पिटल्स को भी, बाकी वहां पहुंच रहा हूं। get going, जल्दी। ठीक तो है? बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मुझे शुक्रिया कैसा, फौजियों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। खुदा हाफिज। सर किधर जाना है? सलाम। वालेकुम अस्सलाम। दो कमरे जी। अरे साहब को 6-7 नंबर खुलवा दो। नहीं नहीं साहब, फौजियों से क्या लेना। रख लो रख लो जी। और कुछ हुक्म करो साहब। नहीं नहीं शुक्रिया। आराम से।
आराम से। रामा गुटू तुम लोग बाहर निकल जाओ खरीदारी के लिए, यहाँ ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते हम लोग। ओके सर। ओके मैम। जी सर। वो गुटू की बैग। हाँ एक मिनट। निकालो सर। हाँ जी सर। सर हम इस वक्त मुजफ्फराबाद में सर, यहाँ से हिंदुस्तान का बॉर्डर 100 किलोमीटर पर पड़ता है अगर हम हाईवे से जाते हैं तो। सर हाईवे तो अब तक सील हो चुका होगा, कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ दूसरा ऑप्शन ये है सर कि अगर हम ये मुजफ्फराबाद से अगर नीचे आते हैं तो यहाँ लीपा वैली पड़ेगी सर, यहाँ शहर खत्म हो जाता है, पहाड़ी इलाका शुरू हो जाता है सर। इस पूरी रेंज को टोटमार गली रेंज कहते हैं सर। यहाँ से अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में बढ़ेंगे सर तो यहाँ पर छोटे छोटे गांव पड़ेंगे सर, चांदवाड़ा कायरन। वहाँ से वेस्ट से आगे मुड़ेंगे सर तो सर ये चौकी चौकी बल स्ट्रीट पड़ता है। यहाँ से बाहरी बाहरी रास्ते से अगर हम निकलते हैं सर तो ये एक फ्रोजन लेक पड़ती है सर, बुलर लेक, बर्फ का जमा हुआ ग्लेशियर है सर। यहाँ से हिंदुस्तानी फौजियों की मूवमेंट देखकर हम इस लेक से अगर दाएं या बाएं से निकलते हैं तो बारामुल्ला पड़ जाता सर, यानी हमारा हिंदुस्तान। गाड़ी कहाँ तक जा सकती है? काफी आगे तक सर, मगर आखिरी के ये 20 किलोमीटर सर पैदल पार करना पड़ेगा क्योंकि ये जगह काफी ऊंचाई पर है सर और यहाँ पर 12 महीना बर्फ जमी रहती है सर। चिकप, 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 चिकप। सर गोली छुकाने निकली है सर। पकड़ कर रखो, मुझे गोली निकालनी पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। सलाम वालेकुम भाईजान। वो आपका चोट पे लगाने वाली पट्टी होगी? हाँ पट्टी होगी। और एक ये दे दीजिए। ये दे दीजिए। और कुछ लेना? और एक ये दवाई भी दे दीजिए। और अच्छा भाईजान आपके पास कोई दवाई होगी जो दर्द को कम करने में, चोट लगी हो तो? होगा सर
पकड़ के देखो इसे। लेटाओ इसको आराम से। चलो चल बाइक उठाओ भागो। नहीं जा सकते। हुसैन चेक करो उधर। सर सर आप वो भाई देख रहे हैं सर? बस तैयार रहिएगा। वहां क्या कर रहे हो? उधर जाओ। Thank you.
मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो अपना काम करो। हाय मैम, कौन है यहाँ का इंचार्ज? वही से। हाय मैम, हाउ डू डू? यहाँ का इंचार्ज कौन है? मुझे बिलाल मलिक, हाउ डू डू? हाउ डू डू सर? आई एम सबीना जहांगीर फ्रॉम पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वॉच। आई एम कर्नल शहरयार खान। फरमाइए।
ये क्या हुआ है? अब कुछ हुआ है, आप बोलिए। आप लोगों का चकलाला में कोई कैंप था जहाँ ब्लास्ट हुआ? जी हाँ, वो एमिनेशन रूम में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया था। शॉर्ट सर्किट हुआ या उसे कुछ लोगों ने उड़ाया है? आप क्या बोल रही है, मुझे कुछ मालूम नहीं है। वो लोग कौन थे? मैंने कहा ना, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। आप लोग पिछले 6 साल से पूरे पाकिस्तान को धोखा दे रहे हैं कि आपके पास हिंदुस्तानी POWs नहीं है। आप तहजीब से बात करेंगे? आप लोगों ने रेड क्रॉस को धोखा दिया, आप लोगों ने पूरे आवाम को धोखा दिया। कौन है ये? यहाँ कैसे घुस आई है? कौन है ये? मैं आपको कल के न्यूज़पेपर में बतलाती हूँ कि मैं कौन हूँ। I care damn about you and I care damn about your newspaper. मलिक, ये कौन? Let me talk. No way. कोई ज़रूरत नहीं है. Just get out of here. निकालो यहाँ से. I'll talk. Okay, okay, fine, fine. Please, please, please. हमारे जवान का हालत नाजुक है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्लीज मैं आपको बता रही हूँ कि कल पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा जाएगा। क्या क्या तहलका मचाएगा? क्यों मचाएगा? मैं समझ नहीं पा रहा क्या बोल रही हूँ। अगर आपके पास आई विटनेस है तो फिर आप जाइए हेडक्वार्टर्स में जाइए, वहां कंप्लेंट कीजिए। दैट्स ऑल। यानी कि आप मान रहे हैं कि यहां पर POWs थे? मैंने कब कहा मैम, कब कहा और कहां कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि आप गलत मौके पर उसका मिलिट करें। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप हेडक्वार्टर जाइए या सीधी इस्लामाबाद जाइए, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। मैं बता रही हूं कि मैं वहां जाऊंगी। नो मलिक, और मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। आप मुझे अकेले कीजिए, हमें काम करने दीजिए अपना। प्लीज कम सर, प्लीज कम सर। दिस लेडी। ओके सर, प्लीज कम सर। रेड क्रॉस के लोग मौजूद हैं, बताइए हम लोग क्या करें? डोंट वरी कर्नल, हाई कमीशन से डेलीगेशन चल चुका है, अभी पहुंचने वाला होगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओवर एंड आउट। मेजर सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर वो लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए तो। सर बॉर्डर पर रेड अलर्ट है सर, उरी से लेकर बारामूला तक एरिया सील्ड है, लेकिन बाहर रेड क्रॉस मौजूद है। अब ऑपरेशन इतना खुलेआम नहीं हो सकता। इन लोगों को खबर पहुंची कैसे? मुझे मालूम नहीं सर। मेजर, वो लोग कहां जा सकते हैं? सर हाईवे पे नहीं गए हैं, इसका मतलब ये है कि लीपा वैली में कहीं उतरे हैं। यहां मुजफ्फराबाद में क्यों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते सर। क्यों? क्योंकि मैं इन लोगों को समझ चुका हूं सर। मतलब ये सर कि ये लोग जो भी हैं एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हैं। ये लोग ठान चुके हैं सर कि इन्हें बॉर्डर क्रॉस करना है, कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो बंदा मरा ना सर, ये खामखा नहीं मरा, बल्कि इसने अपने आप को मारा है, सिर्फ इसलिए कि इसके बाकी साथी बच्चे हैं। इनके सर पर खून सवार है सर, इन्हें मौत की परवाह नहीं है। इसके अलावा ये लोग मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, इस वक्त इनको पकड़ना वाकई नाकों चने चबाना है सर। तो क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि अब कुछ नहीं किया जा सकता? सर फौज का आदमी हूं और फर्ज से मजबूर हूं, तो ये कहने की हिम्मत तो नहीं कर सकता, लेकिन साथ ही बात भी सच है कि बाहर रेड क्रॉस मौजूद है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो यकीन मान के चलिए कि वो बात जग जाहिर हो जाएगी, जैसे आप इतनी मेहनत से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको खुद मालूम है सर, ये कोई छोटे मोटे न्यूज नहीं बनेगी। तो किया क्या जाए सर? थोड़ा इंतजार करना हमारी मजबूरी है सर, बाहर थोड़ा मामला छकने दीजिए, फिर कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन तब तक सर प्लीज प्लीज आप जरा जाकर सभी नजांगीर को संभालिए। प्लीज 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 सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, प्लीज। उनसे बातचीत करते हुए ठंडे दिमाग का इस्तेमाल कीजिएगा सर, आपको खुद मालूम है मामला कहां से कहां तक पहुंच सकता है सर, गजब हो जाएगा सर, प्लीज आइए सर। क्या मुसीबत है यार।
आई एम रियली सॉरी मैम, मैं जरा तैश में आ गया था। दरअसल वहां हालात ही कुछ ऐसे थे। मैं आपको बतलाऊं, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं ये POWs वाली अफवाह कैसे उड़ी। आप चकलाला कैंप देख सकती हैं। वो तो मैं देख कर आ रही हूं। तब तो बात ही खत्म हो गई। बात तो यहां से शुरू होती है जनाब। यू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड टू फेस द प्रेस टुमारो। आप मुझे प्रेस की धमकी दे रही हैं? आप जानती हैं आप किससे बात कर रही हैं? मैं इतनी देर से आपसे तमीज से पेश आ रहा हूं और आप मेरे सिर पे चली जा रही हैं। देखिए मैडम, ये मिलिट्री का मामला है, इसमें मैं आपकी दखल अंदाजी बिल्कुल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप तो बिल्कुल, आपने लिमिट क्रॉस कर दी है। मैम देखिए, आप क्यों हमारा और अपना दोनों का वक्त जाया कर रही हैं? आप जाती क्यों नहीं यहाँ से? यानी कि एक एक्सप्लोजन वहाँ हुआ और 24 घंटे के अंदर दूसरा एक्सप्लोजन यहाँ हुआ। एक्सप्लोजन नहीं हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ मैम। एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट कैसे होता है? दो गाड़ियां टकरा गई, आपस में एक्सीडेंट हो गया। अंदर सॉल्व। और उनके अंदर कौन थे? जिंदा इंसान थे, आपके और मेरे जैसे हाड़ मास के। नो मैम, एक्चुअली सीरियसली यू आर टेस्टिंग माय पेशेंस, आई टेल यू। लुक लुक, दिस इज अ हाईली सेंसिटिव एरिया, सिविलियंस आर नॉट अलाउड हियर, यू नो दैट। अगर आपको हमारे हेडक्वार्टर्स का नंबर चाहिए तो मैं देता हूं आपको, आप जाइए ना, कंप्लेंट कीजिए वहां पर, दैट्स ऑल। सबीना जहांगीर जी, चलिए। कम ऑन मीटर, हमें फौरन एक्शन में आना है। राइट सर। चबर लाओ, गाड़ियां रवाना करो वैली की तरफ। जी सर। ऑन योर टोस। पेट्रोल खत्म हो गया, इसकी जरूरत भी यहीं तक थी। नीचे उतरो, आराम से कभी भी क्या क्या संभालो, सब गोटे सब संभालो। सर देखो 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 नीचे उतरो। सर अरे और उसको ले चलो वहां पे। थोड़ी सी चढ़ाई है वहां तक, चल पाओगे? कोशिश करूंगा सर। गुड, अब मेरे घर पे आ जाओ। कम ऑन, 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 कम ऑन। गुटो, वो तीनों लड़ते हुए शहीद हुए, शहीदों की इज्जत देना सीखो।
Get up. सीधी चढ़ाई, रोशनी में गए तो पकड़े जाएंगे, अंधेरा होने तक यही इंतजार करना पड़ेगा। गोटो, कबीर को बुला। आराम से, आराम से कबीर। आराम से, आराम से। सर, बैग बैग दो। बैग निकाल। आराम से। गोटो, yes, दो लकड़ियाँ लेके आ। कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ यहाँ हो रहा है? यहाँ यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस सही हो जाएगा, बिल्कुल सही। लकड़ी ले जाओ, लकड़ी ले जाओ, हाँ हाँ, इस वाला, इस वाला, इस वाला, सिर तोड़ो। देखना ये टांग टेढ़ी ना कर पाए। इसका मतलब वो लोग बॉर्डर की तरफ नहीं गए होंगे। आसपास बॉडी सर्च करो, पूरा एरिया छान मारो। अगर वो लोग जिंदा भी हैं तो बहुत दूर तक नहीं जा सकते। सर सर प्लीज सर प्लीज सर, ये बाइक ऊपर से फेंक भी जा सकती है सर। हाँ बाइक फेंक दी होगी ना? यस सर। अभी पैदल जाएंगे, 40 किलोमीटर लंबा बर्फ का पैच, वो लोग पैदल पार करेंगे। यस सर, राइट सर। इधर मलिक, वो लोग आपके जितने समझदार नहीं है। दैट्स राइट। आई विल गो सिट डाउन फॉर अ सेकंड एंड हैव अ सिगरेट। यू आर नेवर रॉन्ग सर, यू आर नेवर रॉन्ग। तुम्हारे बाप हैं कर्नल शहरयार खान, तुम्हारे बाप हैं। सर निकल नहीं पा रही है। ए तीन चार लोग आओ, मदद करो इनकी। निकालो, आओ चलो चलो, उठाओ बांध निकालो इसको ध्यान से। जब साली जंग खत्म हो चुकी थी तो इन लोगों को रोक कर रखने की जरूरत क्या थी? कल इनके घर गुनमो की हाली से अलग और हमारी सरदर्दी, वो तो है ही। अभी बात बोल दूंगा तो एकदम से गद्दार कहलाया जाऊंगा, नहीं बोलूंगा तो साला कम वक्त पाकिस्तानी जमीर जिंदगी भर के लिए कचोटे। गोटू, टाइम हो गया, चलने की तैयारी करो। कबीर, कबीर मुंह खोलो। चल पाओगे? चल पाओगे? कोशिश करना सर। वेरी गुड गोटू, कोशिश करना। एम्बुलेंस एक बार फिर से चेक कर लेना। कबीर क्या हुआ? ये निकल नहीं रहा है सर, इस पर मैं अजीब सी सेंसेशन हो रही है सर। एक मिनट,
जोर से खींचा ये क्या है सर? इस बारे में कुछ भी महसूस नहीं हो रहा सर। यारी ये तब से अब तक बर्फ में था। प्रिकॉशन क्यों नहीं लिया तुमने? सुन रहे थे क्या तुम? ये फ्रॉस्ट माइट है सर। सर दिल से ऊपर चढ़ रही है सर। काम तो काम कुछ नहीं होगा। तुम एक काम करो, मेरे कंधे पे मैं चलवाऊंगा सर। ये दिल से प्लीज सर मेरे छोड़ जाइए। ये सब मैं चलवाऊंगा सर। ये दिल से तो बाप भी चलेगा। ए लेके आओ कंधे पे। मुझे अब ये छोड़ जाइए सर। ये सर मैं सर कुछ नहीं होगा अभी। कुछ नहीं होगा। कम ऑन गो टू योर मैन। मैं हूं कोपेश। कुछ अगर काउंटर हो सकता है सर। हां तो तुम गोली चलाओगे ना? हाथ थोड़ी खराब हुआ तुम्हारा। प्लीज सर तोड़ना पड़ सकता है सर। भागना पड़ सकता है। भागे ये एक लौजी बोले तो उसको गोली मार देना। सर मैं मार दूंगा। निशाना बिल्कुल सही है कि नहीं गोटो? बताएं सर, एक बार एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि यार ये पाकिस्तान में पंजाबी रहते हैं? तो वो बोला कि हाँ रहते हैं। कभी इसने कहा कि सिंधी? वो बोला हाँ सिंधी भी रहते हैं। सुन रहे हैं ना कबीर सर? हाँ कबीर सुन रहे हो। तो ये बोला कि और अपने मुसलमान भाई? कबीर बोला कि हाँ हाँ वो भी रहते हैं, पर पूछना क्या चाह? तो ये बोला कि यार, तो इसने कहा यार ये लोग तो हिंदुस्तान में भी रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान क्यों बनाया था? तो जानते हैं सर वो क्या बोला? वो बोला कि गलती हो गई सर, आगे से रिवर आएंगे। सर आपको मालूम है क्या? अभी पुणे की सड़कों पर भीड़ होगी सर। अच्छा, वो शहर बहुत लेट सोता है सर। फैमिलीज की फैमिलीज शाम को खाने के लिए बाहर निकलती हैं। अच्छा, मैं भी रीना और चांदनी को लेके के जाया करता था सर। चांदनी कबीर की बेटी है गुट्टू। कितनी बड़ी हो गई होगी कबीर सर? 11 साल की। आप कर रहे हैं सर, मुझे लेकर के 2 घंटे की जर्नी 6 घंटे की हो जाएगी सर। एक बात बोलूं सर? हाँ। मैं अपने बाप से ज्यादा आपकी इज्जत करता हूँ सर। फौज में अफसर बाप ही तो होता है। इडियट। सर ये आपने एकदम सही बोला। क्या? इडियट। कबीर सर, सुना तुमने इस इडियट को? Thank you.
भाग। अरे साले नहीं सर, नहीं सर, संस्थान में बोले सर। हेलीकॉप्टर जी साहब क्या कर रहा है? आ जाए पोजीशन। मेरा अपना कोई नहीं गुस्सा, अगर मुझे अकेले जाना होता तो कब का निकल चुका होता। What are you doing, you bloody idiot? अच्छा है ना, मैंने कहा हेलीकॉप्टर वापस लो। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। जेकब ने बताया तक नहीं कि उसे गोली लगी थी। अहमद और राम भी अपनी मर्जी का करके चले गए और कबीर और तुम भी। देख, हमें उन सबको जीना होगा, उन सबके लिए जीना पीछे छोड़ कर आए जिनका कोई उस तरफ इंतजार कर रहा है। कुटू तेरा बड़ी मैं तुम्हारा मेरे जुरिस्डिक्शन में छाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। इसके लिए मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा सकता हूँ। आई विल हैव योर कोर्ट मार्शल एंड आई विल हैव यू। हु केयर्स अबाउट योर कोर्ट मार्शल? जमीन मियां, इस लम्हे के बाद में इस हेलीकॉप्टर से मेरा खून चलेगा। ओके डॉगेज हेलीकॉप्टर टर्न इट, टर्न द चॉपर राइट नाउ। तू चलेगा कुछ, तू चलेगा मेरे साथ? सर मैं चलूंगा सर। गुड जॉब गुटू, मैं जाके उनको बुला के लेके आता हूँ। तू यही रहेगा यहाँ से, यहाँ से हटना मत। मैं अभी गया उनको लेके आया, ठीक है? हिम्मत रख। मेजर सूरज सिंह, राजपूत, राजपूताना, राइफल्स, गुड, अरे गुड, मेजर सूरज सिंह। गोटू तू फिक्र मत कर, मैं ही इनसे पहले उनको लेके आता हूँ। राइफल सेक्शन 3, ट्रेंच 3, मूव।
भगोड़ा क्या है? भगोड़ा है, कोर्ट मार्शल हुआ था, दो सिविलियंस का मर्डर किया इसने, इसका आई कार्ड इसके पास होगा, चेक कीजिए। चेक करो। यस सर। सर, अच्छा ठीक है लेकर जाओ, लेकिन आगे से ख्याल रखना। सैयद सर, दो आदमी भेजो। बैक टू योर पोजीशन बॉयज। ये हमारी कहानी, वो कहानी जो ना कभी कही गई ना कभी सुनी गई। ये एक नोन फैक्ट था कि हम लोग 1971 की लड़ाई में जिंदा पकड़े गए थे। सारे अखबारों में ये खबर थी, इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ये जानती थी, दोनों मुल्क की सरकारें भी जानती थी। फिर इन गुजरे हुए सालों का जिम्मेदार कौन, और इन आने वाले ना मालूम कितने सालों का जिम्मेदार कौन। बहरहाल, उम्मीद के अलावा जिंदा रहने का और कोई सहारा नहीं होता। मैं भी उम्मीद के सहारे जिंदा हूं, मगर मैं ये भी जानता हूं कि उम्मीद हाथ पर हाथ रखकर बैठने से नहीं होती। मैं एक बार फिर आने वाले कल का इंतजार करूंगा। 1971 की जंग के 54 हिंदुस्तानी फौजी आज भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। इनको 1988 तक जिंदा देखा गया था। Yeah।
तुझे।